आगामी चुनावों से पहले अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर करणी सेना ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, जातिगत आरक्षण की पुनः समीक्षा और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर भेल जम्बूरी मैदान में जन आंदोलन किया और मैदान में करणी सेना के नेता व कार्यकर्ताओं ने बार बार शिवराज सिंह द्वारा बोला गया आरक्षण कोई माई का लाल नहीं हटा सकता वाक्य से माई का लाल शब्द भी बार बार दोहराते नजर आए। इस जन आंदोलन में राजपूत ब्राह्मण पाटीदार समेत अन्य समाजों के युवा भी जुड़े एवं संगठन प्रमुख ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम विधानसभा भी घेरेंगे और चुनावी मैदान में भी जवाब देंगे। ये लड़ाई सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, लड़ाई राजस्थान सभी राज्यों की लड़ाई है, सभी स्वर्ण वर्गों की लड़ाई है, सभी छत्तीसगढ़ आज मध्य प्रदेश से लग चुकी है। हम हमारी बात सिर्फ यहाँ विधानसभा सिर्फ शिवराज बाबा को नहीं पहुँचा रहे, हम ये बात केंद्र सरकार को पहुँचाना चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू हो। जब गरीबी जाति देख कर नहीं आती तो आरक्षण जाति देख कर क्यों, और एट्रोसिटी एक्ट में सुधार किया जाए क्योंकि गिरफ्तारी जब होती है तो जांच हो उसके बाद गिरफ्तारी हो, और स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के मूल्य जो भाव है फसलों के वो तय हो, और जो घोड़ा रोज की समस्या है, घोड़ा रोज जो किसानों के घोड़ा रोज है जो उनके फसलों को बर्बाद कर देते हैं, उसके लिए जो सरकार है अलग से कोई विभाग बनाए और उसके जरिए उन पर रोक लगाए। चलिए आप बताइए क्या समाज यहाँ भोपाल आई है, अगर झगड़ा होता तो हम सभी लोगों में हो जाता, लेकिन आज शिवराज मामा ने हमारे लिए कोई भी सुरक्षा गार्ड वगैरह कुछ भी पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन हमारी एकता ऐसी है कि आज हमारे इतनी लाखों जनता में। अच्छा ये बताइए विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? सर हमारा अगर ये मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम सरकार को गिरा चुके हैं। अब आप सर देखिए रही बात विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव सामने आने वाले हैं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। क्या चाहते क्या हैं आप? हम सर ये चाहते हैं ना तो हमारा किसी धर्म से विरोध है, ना हमारा किसी जाति वर्ग से विरोध है, ना ही हमारा पर्टिकुलर किसी पार्टी से विरोध है, और ना ही हम ये बोल रहे हैं कि हम किसी पार्टी से यहाँ पर आए हैं, हम सब हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए, तो हमारा सभी से हमारे आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए। सर आपके इस बात से सहमत नहीं है कि आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण? बिल्कुल आप इधर बोलो कि मैं भी आर्थिक आधार के उस पर आरक्षण के लिए मैं भी सहमत हूँ, आप भी बोलिए ना, नहीं होना चाहिए। गरीब मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरे माता पिता दूसरे के यहाँ नौकर रहते हैं, तो क्या मैं गरीब नहीं हूँ? आप कोई सरकारी कर्मचारी है, आपने सरकारी कर्मचारियों को नौकरी दे दी, फिर उसको नौकरी की तो सरकारी वेतन के हिसाब से उसे पैसा मिल रहा है, फिर वो काय का गरीब है? उसके बच्चे जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ने जाएंगे सर, आप उन्हें जो भी उनकी छात्रवृत्ति है आवासीय है, सर मैं कॉलेज में हूँ, मैं एमबीए का छात्र था, मैंने मेरी फीस पूरी भरी, उसके बावजूद भी एससी एसटी जो भी मतलब जो भी आरक्षण के अंतर्गत में आते हैं वो फीस भी नहीं भरते, उनकी फीस भी माफ है, उसके साथ साथ उन्हें आवासीय के लिए पैसा भी दिया जाता है, वो तो चलो ठीक है, उसके बाद में अगर वो किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए जाता है तो सर उसको वहाँ पे मार्क्स के उसमें भी छूट मिल, तो क्या भगवान ने हमें अलग से दिमाग दिया है? ठीक है गरीब है आप उसे पैसा दे दो, क्या भगवान ने उसे अलग से दिमाग दिया है? क्या स्वर्ण जाति मेरे करणी सैनिक सभी भाई यहाँ पर मौजूद है, क्या आप सबको अलग से दिमाग दिया है भगवान ने? आप सभी का